गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तीन गवर्नर जनरलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स ऑकलैंड और लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है, तो इस वीडियो में कई पॉइंट ऐसे आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम केवल और केवल इन तीन गवर्नर जनरलों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके काल में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने काफ़ी जो मतलब इंडिया में आए थे जो गवर्नर जनरल थे इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो यदि आप लोग हमारे वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपकी इतिहास विषय से संबंधित जो भी एग्जाम्स लगती हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ जो 1835 से 36 ईस्वी तक इंडिया में रहा। फिर दूसरा आता है चार्ल्स ऑकलैंड जो 1836 से 1842 ईस्वी तक रहते हैं। और फिर आते हैं आपके लॉर्ड एलनब्रो जो 1842 से 1844 ईस्वी तक इंडिया में गवर्नर जनरल के पद पे रहते हैं और इनके काल में कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ ये 1835-36 मतलब एक साल भारत में रहे थे। तो चार्ल्स मेटकॉफ हैं ये 1835 से 1836 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। एक वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करने वाले चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, और चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन था, वो थे आपके चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, अब अगले गवर्नर जनरल आते हैं चार्ल्स ऑकलैंड जो 1836 से 42 तक रहे थे। तो चार्ल्स ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। तो जो प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध हुआ है इसके बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो दिखाएंगे। तो जो प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध है ये 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके कार्यकाल में ही भारतीय छात्रों को विदेशों में जाकर डॉक्टरी करने का अवसर भी प्रदान किया गया था। और बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना चार्ल्स ऑकलैंड के काल में ही हुई थी। और चार्ल्स ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो देखिए जो मतलब प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है ये 1839 से 42 के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। और इसका प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति, अर्थात जो रूस है वह साम्राज्य विस्तार कर रहा था और मतलब अंग्रेज इसको रोकना चाह रहे थे, जिसके कारण क्या होता है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ये हम आगे की वीडियो में आपको बढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, और देखिएगा मतलब जो 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कौन करवाता है? चार्ल्स ऑकलैंड। और ग्रैंड ट्रंक रोड है इसकी, ये किसने मतलब बनवाई थी, ये मतलब शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उस टाइम पे इसको सड़क ए आजम भी कहा जाता था। ठीक है, और अब आते हैं आपके लॉर्ड एलनब्रो। ये 1842 से 44 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल पद पर रहते हैं। तो एलनब्रो के समय में जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है ये समाप्त हो गया था। और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है इससे क्या है कि अंग्रेजों को कोई भी लाभ नहीं हुआ था। अंग्रेज जो मतलब शाह शुजा जो अफगान का पच्चू जो अमीर था मतलब शासक था वो शाह शुजा उसको मतलब अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना चाहते थे, क्योंकि जो शाह शुजा है वह मतलब अंग्रेजों की शरण में आ जाता है और वहाँ का जो अमीर था दोस्त मोहम्मद वो मतलब वहाँ की गद्दी पे स्थापित था।
तो ये लोग हैं जो साज सुजा को वहाँ पे बिठाना चाहते थे, लेकिन क्या होता है कि वहाँ की जो जनता है, जो अफगानी लोग हैं, वो मतलब इसको साज सुजा को वहाँ नहीं बिठाने देते और दोस्त मोहम्मद को वापस मतलब अफगान की गद्दी पे बिठा देते हैं। और इस प्रकार से देखें तो अंग्रेजों की हार होती है और ये जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है, इसका समापन एलन ब्रो के काल में होता है। ठीक है, और एलन ब्रो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा था। ठीक है, तो जो एलन ब्रो है, इसने चार्ल्स नेपियर को मतलब सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए सिंध भेजा था, और नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला भी लिया था। ठीक है, एलन ब्रो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। अर्थात कुशल अकर्मण्यता की नीति का अर्थ क्या है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए और न उस पर किसी प्रकार का प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ये वाली नीति अपनाई थी एलन ब्रो ने। अब देखिएगा, जो अफगान है उसको लेके दो नीतियाँ मतलब ब्रिटिश काल में थी, एक तो थी अग्रगामी नीति और एक थी कुशल अकर्मण्यता की नीति। इन दोनों नीतियों के बारे में हम आपको आगे के वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। यदि हम यहाँ आपको समझाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अतः यहाँ पर आपको इन मतलब जो चार्ल्स मेटकॉफ है, चार्ल्स ओकलैंड है, और जैसे कि लॉर्ड एलन ब्रो है, इन तीन गवर्नर जनरलों के बारे में मतलब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।